बेशक उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया हो, लेकिन वो वक्त वक्त पर बैलेंस बनाकर रखते हैं भाजपा के साथ भी और एनसीपी और कांग्रेस के साथ भी। लेकिन जहाँ भी मौका मिलता है वो बता देते हैं कि सरकार के बॉस उद्धव ठाकरे ही हैं और ये सरकार इस सूरत पे बनी है कि ताकि बीजेपी सत्ता से बाहर रहे। लेकिन उद्धव ठाकरे ने इसके बावजूद अपने हिंदुत्व एजेंडे से समझौता नहीं किया है। ये बात खास करके जो सीएए के खिलाफ प्रोटेस्ट होते हैं उनसे साबित हो रही है। उद्धव ठाकरे ने जिस तरह से सीए प्रोटेस्ट को हैंडल किया है वो वाकई में काबिले तारीफ है। कहीं पर भी रोड ब्लॉक भी नहीं होने दी, प्रोटेस्टर्स के भी मन की बात रह गई और जिनको जो सीए के समर्थन में है उनको भी कोई तकलीफ नहीं हुई। दरअसल में जब भी किसी को प्रोटेस्ट करना था तो बिना इजाजत के बिल्कुल भी प्रोटेस्ट की परमिशन महाराष्ट्र में नहीं दी गई, खास करके मुंबई में नहीं दी गई, क्योंकि अगर मुंबई में कोई रोड ब्लॉक करके प्रोटेस्ट होता तो उसको भी शाहीन बाग के जैसी कवरेज मिलती, शाहीन बाग के जैसा बड़ा प्रोटेस्ट बनते, ऐसे प्रोटेस्ट को देर नहीं लगती। अब मुंबई बाग में महिलाओं ने बैठकर कोशिश की शाहीन बाग बनाने की, तो पुलिस वहां पर पहुंच गई, वार्निंग दे दी और बोल दिया कि उठ जाओ। और उद्धव ठाकरे ने दिखा दिया कि यहां पर वो किसी के दबाव में नहीं रहेंगे इस मामले में, और एक भी सड़क को जाम नहीं करने दिया जाएगा जैसे शाहीन बाग को करके रखा गया है। और तो और वो एनसीपी और कांग्रेस भी जब कानून व्यवस्था की बात आती है तो एक तरफ नज़र आते हैं, वो एनसीपी कांग्रेस की बिल्कुल नहीं सुनते कानून व्यवस्था को लेकर। अब बॉलीवुड के वो सेलिब्रिटी जो बीजेपी के खिलाफ है और सीएए प्रोटेस्ट का समर्थन करते हैं, वो बाकायदा उनके बेटे आदित्य ठाकरे को ट्वीट करते रहते हैं और कहते हैं कि क्या हो रहा है आपके होते हुए मुंबई में, देखिए पुलिस प्रोटेस्टर्स को उठा रही है। लेकिन वो एक बात भूल जाते हैं कि पुलिस प्रोटेस्टर्स को नहीं उठा रही, पुलिस उनको उठा रही है जो बिना पूछे प्रोटेस्ट कर रही है, रास्ता जाम कर रही है। जाहिर सी बात है अगर किसी को प्रोटेस्ट करना है तो 2-3 दिन पहले मुंबई में 3-4 मैदान चिन्हित कर दिए गए हैं, आप वहां जाकर प्रोटेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप गेटवे ऑफ इंडिया, मुंबई बाग ऐसी जगह पर जाकर प्रोटेस्ट करेंगे जहां से ट्रैफिक के आवागमन में दिक्कत हो, विदेशी टूरिस्ट को दिक्कत हो, जो मुंबई में इतने पर्यटक आते हैं उनको दिक्कत हो, तो मुंबई सरकार या फिर महाराष्ट्र सरकार इस बात को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर रही है और मुंबई पुलिस को ऑर्डर सख्त है। और इसीलिए लोग दबे दिल से उद्धव ठाकरे की तारीफ भी कर रहे हैं जो बीजेपी का भी समर्थन कर रहे हैं, और तमाम हिंदूवादी लोग कह रहे हैं कि वाकई में उद्धव ठाकरे बता रहे हैं ये बाला साहेब की मुंबई है, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, इजाज़त लेकर कुछ भी कर लो, बिना इजाज़त के कुछ भी करने नहीं दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया बॉलीवुड और मनोरंजन की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।